हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शविमान व्लॉग्स। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नई कार का रिव्यू, जो कि है अपनी शेवरलेट की बीट। गाइस, ये गाड़ी बंद हो चुकी है इंडिया में, कंपनी भी बंद हो चुकी है, लेकिन ये कार अपने टाइम पर इतनी फेमस हुई है, इतनी फेमस रही है। और दूसरा भाई, आपको पता है मेरे चैनल पर कोई नॉर्मल कार तो मैं लाता नहीं हूँ, सो भाई ये कार है ट्यून्ड। सो गाइज़, ये गाड़ी है 2016 बेस मॉडल पेट्रोल 1.2, इसके अंदर इंजन आता है 4 सिलेंडर के साथ, और बेस ऑफ वेरिएंट है ये। भाई ने इसको फुल तैयार कर रखा है, और गाइज इसको ट्यून कराया गया है जीटी ट्यूनर से, क्वांटम से। सो गाइज देखिए, ये गाड़ी बंद हो गई है, फिर भी इसका आज भी इतना क्रेज़ है कि भाई ने इसको पूरा पूरा दिल से तैयार करवाया है, और अलॉयज इसके अंदर लगवा रखे हैं, और भाई थोड़ी सी पेल भी रखी है। भाई थोड़ा नया नया ड्राइवर है। सो बाकी भाई, ओवरऑल देखा जाए तो बहुत प्यारी लुक है इस कार की। पीछे डिफ्यूज़र देखिए भाई, ये कंपनी फिटेड ही आते हैं, और ये देखिए पीछे ये स्पॉइलर टाइप। सो काफ़ी बढ़िया तैयार है गाइस ये गाड़ी। बाहर से तो भाई आपको ये सारी स्टॉक ही दिख रही होगी, अलॉयज के अलावा आपको इसके अंदर ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन जो इसके अंदर चेंज है वो इसके इंजन के अंदर चेंज आया है, और भाई काफ़ी माइनर ही चेंज आया है, क्योंकि ये है भाई नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो होता है वो कम ही ट्यून होता है। सो गाइज, ये थी 82 bhp स्टॉक आती है, अब ये सिर्फ 7 bhp बढ़ी है, 89 bhp हो गई है। 111 nm का इसके अंदर टॉक था, अब ये 120 nm टॉक हो गया है। सो देखना ये है भाई कि इस कार को मेरे सजेशन के बाद अपना भाई लेकर गया था कराने के लिए, तो इसको मैंने पहले भी ड्राइव किया है, और आज इसको फिर ड्राइव करके देखूंगा मैं कि इसके अंदर ट्यून कराने के बाद कोई चेंज आया है या नहीं आया है। तो गाइस चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर। गाइस गाड़ी के अंदर हम आ गए हैं, और बंद कर लेते हैं। अच्छा गाइस, ऐसा कुछ है इंटीरियर, और ऐसी ये चाबी भाई ने कस्टमाइज बाहर से बनवा रखी है। लगा लेते हैं भाई, गर्मी बहुत है, एसी ऑन कर लेते हैं, और हो गई भाई ऑन। और इसमें नॉर्मल आपका आता है एसी, इससे बड़े वाले ऊपर वाले मॉडल्स में सबके अंदर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ही आता था। और भाई एक बार ये देखिए यार, इसका इंटीरियर बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आप कोई स्पोर्ट्स कार चला रहे हो। बाकी भाई बहुत छोटी सी प्यारी सी कार है, और बेस मॉडल में भाई आपको ये पावर विंडोज़ नहीं आते थे, ये भाई ने लगवा रखे हैं एक्स्ट्रा। और CNG है भाई ये गाड़ी, मैंने आपको नहीं बताया तो अब बता रहा हूँ, ये गाड़ी CNG है, और ये सब भी बाहर से लगवाया हुआ है। बाकी भाई ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बेसिक सा इंटीरियर है, ठीक है, और पीछे सच में काफ़ी कम जगह है, और ठीक है भाई गाड़ी, काफ़ी चीज़ें भाई ने बाहर से लगवा रखी हैं तभी थोड़ी अपडेटेड सी लग रही है। और बाकी इसको भाई आइए ड्राइव करके देखते हैं गाड़ी को। AC भाई को बहुत अच्छा है गाड़ी का, बहुत बढ़िया AC है, मतलब कूलिंग। और चलिए भाई इसको ड्राइव करके देखते हैं, क्योंकि जो असली इसका चेंज है, जो असली मज़ा आने वाला है, वो उसका भाई आया है ट्यून के बाद। सो 52 ये चलिए भाई, इसको 51 पे ट्यून कराया गया है गाड़ी को, ये देखिए, और अब इसको चला कर देखते हैं गाइस। सो गाइस ड्राइव करके देखते हैं शेवरलेट बीट ट्यून फर्स्ट स्टेज। मतलब मेरे ख्याल में भाई मैंने नहीं सुना होगा कि शेवरलेट बीट भी किसी ने ट्यून करवाई होगी, लेकिन इस कार के ओनर ने, मेरा फ्रेंड है भाई, उसको मैंने बोला तो उसने मेरे कहने पे करी। भाई फर्स्ट थिंग आपको बता दूं, इसका स्टेयरिंग इतना हार्ड है, इतना हार्ड है, मेरे मतलब मैंने काफ़ी टाइम हो गए हैं इतना हार्ड स्टेयरिंग कार चलाई हुई। बाकी फर्स्ट गियर डाल दिया है, 5 गियर्स वाला इसके अंदर गेयर बॉक्स है मैनुअल, और बाकी भाई इसमें ABS वगैरह आपको ऐसा कोई सिस्टम नहीं मिलता है, ये सबसे बेस मॉडल है LS। और चलने में गाड़ी थोड़ी भारी फील हो रही है, शायद से हार्ड स्टेयरिंग की वजह से, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हाई स्पीड में इसकी अच्छी स्टेबिलिटी हो, जो कि स्टेयरिंग को पकड़ने से पता लग रहा है। और भाई इंटीरियर एक बार उधर नजर मारना, भाई आप इंटीरियर देख रहे हो भाई, इतना आगे देखिए, मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा भाई आगे तक, तो मतलब अगर मेरा ये कहना है कि अगर ये स्पेस जो है थोड़ा, ये अगर गाड़ी के स्पेस में जोड़ दिया जाता है, इसको कम कर देते हैं, तो शायद से इस कार में और लोगों के बैठने की और थोड़ी ज़्यादा लेग स्पेस पीछे वालों को मिल सकता था। बाकी भाई कार अभी इतनी ज़्यादा नहीं चली है, 52,000 ही चली हुई है, सो थोड़ी बहुत बाहर सस्पेंशन का इसका साउंड आ रहा है। और
अब तक भाई ये जो ट्यून हुई है ना उस चीज का मुझे फील नहीं हुआ है, लेकिन कहते हैं कि इस कार को जब खींचेंगे वो तभी पता लगेगा, क्योंकि भाई सिर्फ 7 BHP इसके इस कार ने गेन की है और इस चीज के लिए काफी पैसा दिया है भाई ने। और एक बार ये जब आगे जाएगी तो इसको भाई खींच के देखेंगे। बाकी भाई जैसे ही मैं इस कार की ब्रेक मार रहा हूँ तो भाई इसमें ABS नहीं है, एकदम से गिजड़ रही है। ओके सो गाइस, ये गाड़ी जो पिक लेती है ना वो ये लेती है भाई 3 से 4 RPM के बाद। उसके बाद आपको जो इसकी पावर बड़ी है ना, ये देखिए वो फील हो रही है। बाकी भाई थोड़ा ब्रेकिंग की वजह से मैं इसको आराम से ही चलाऊंगा, और तू मेरे को ही दिखा भाई। बाकी गाइस ब्रेकिंग थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम करती है, पावर तो इसकी फील हो रही है जब हम गियर को ज्यादा अच्छे से खींचते हैं, लेकिन जब कोई टर्बो कार वो पेट्रोल हो डीजल हो जब वो ट्यून होती है ना उनके अंदर जितना पावर के यहाँ चेंज आता है ना ऑलमोस्ट 15 से 20%, और गाइस इसके अंदर मेरे ख्याल में 5% भी पूरा नहीं बढ़ा है। सो 7 जो BHP है इसका बढ़ा है, मेरे को ज्यादा फील नहीं हो रहा है। और अब क्या बोले भाई, ये देखो अब फील हो रहा है। ये देखिए जैसे कि अब मैं सेकंड गियर में था और RPM इसका था 3000 के आसपास, तो 3000 के RPM के आसपास ये देखो यार, नहीं नहीं भाई पता लग रहा है, ये देखो भाई ये सेकंड गियर है और जैसे ही ये 3000 के RPM के आसपास घूम रही जा रही है वैसे ही देखो ये एकदम से खिंच रही है भाई। नहीं पावर का फर्क है भाई, पावर का फर्क है भाई, लेकिन ब्रेक इस कार के बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है भाई। सो सॉरी मेरे भाई ये कहने के लिए। सो भाई ये है इस कार के ओनर। भाई एक बात बताओ, ये जो हमने कार की पावर तो बढ़वा ली है, इस ब्रेक का क्या करोगे? या तो भाई इसके आपका रबर चेंज होगा, रबर मतलब टायर चेंज होगा आपका, टायर चेंज होगा, टायर का ना बनाने हो चुके हैं। अच्छा गंजे हो रखे ऑलमोस्ट ना, ये देखो यार नए टायर है, ये थोड़ी रोड भी ऐसी है। अच्छा भाई मैं क्या बताऊं, अभी देखना गाइस, आप अभी देखना, देखो ये उठ रही है अब देखना। अच्छा ऐसे नहीं आप सुनोगे, मैं देखो मैं आपको बाहर से सुनाता हूँ। अरे 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 क्या बात है, अब देखना गाइस गाड़ी चल रही है। सो भाई आपने देखा, कोई बात नहीं भाई हो जाता है। इस कार के टायर्स चेंज होने हैं, अलॉयज भाई ने डाल तो रखे हैं, अब भाई टायर की प्रोफाइल वगैरह भी अच्छी डाल देना। सो गाइस गाड़ी का सस्पेंशन वगैरह भी ठीक ही है, थोड़ी डिल मोल हो रही है गाड़ी, थोड़ा बॉडी रोल इसमें फील हो रहा है, लेकिन भाई उस टाइम पर जब ये गाड़ी थी ना भाई, आपने देखा एक ट्रांसफॉर्मर्स मूवी है रोबोट्स के ऊपर, उसमें भी बीट कार्स को रोबोट बनाया है, तो भाई मतलब ये काफी मशहूर कार है, इसको अगर ढंग से तैयार किया जाए ना तो ये आग लगा देगी भाई गाड़ी। और बाकी भाई थोड़ी बहुत पावर फील हो रही है, बाकी भाई मैं इसके ब्रेक्स की वजह से बहुत डरा हुआ हूँ, इसके टायर्स खत्म है। फिर भी भाई कोई खाली रोड या जगह देखकर मैं आपको इसका 0 to 100 कर देता हूँ, वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना अपना टाइमर ऑन करके कितनी देर में 0 to 100 करती है। और थोड़ा सा और चला लूँ फिर गाइज मैं आपको बताता हूँ कि 7 BHP बढ़ाने के लिए 20-25 हज़ार रुपये देना सही है या गलत है। बाकी थोड़ा सा खाली रोड मिला है, सो मैं इसका गाइस ऐसा करते हैं आज, इसका मैं 0 to 100 नहीं करता, इसका मैं 0 to 80 करूंगा। सो गाइस की एक बढ़िया चीज दिखाता हूँ, उसका RPM देखिए यहाँ पर राइट में कितना जाता है, ये भाई उस टाइम पे कोई नॉर्मल कार नहीं कर सकता था। ये भाई अभी थोड़ा फर्क भी आया इसमें ट्यून के बाद, और भाई चलिए इसका 0 to 100 करके दिखाते हैं। ओ भाई ये तो बहुत ज्यादा ही घूम गई भाई, तो तरीके भाई बहुत ज्यादा पावर है अब फील हो रही है भाई, इसको ज्यादा RPM पे छोड़ो और बताएगी फिर ये तुम्हें आराम से। सो गाइस पावर गाड़ी में बहुत ज्यादा है, मेरे को भी फील हो गई भाई, इस कार ने 40-50 की स्पीड तक भाई स्पिन मारा है। दूसरा भाई 70-80 के बाद हम इसलिए हिल गए क्योंकि भाई गाड़ी के टायर्स बिल्कुल खत्म है,
जब इस गाड़ी में टायर्स अपग्रेड हो जाएंगे, मैं इसका आपको प्रॉपर 0-100 करके दिखाऊंगा भाई। और अभी मैंने जो भी किया है, 0-60 आपको मिला है या 0-80 आपको मिला है, तो वो आप मेरे को बताइए कि भाई इसने कितनी देर में किया है, और पावर का आपको पता ही लग गया होगा। सो गाइस, ये गाड़ी और ज्यादा ड्राइव टू फन हो सकती है। सो इसके अंदर सबसे पहले क्या करना है भाई, एक अच्छी वेट्स वाले भाई टायर डालने, ठीक है, और ग्रिप अच्छी योकोहामा के आप इसमें टायर्स डालो भाई। इस कार का आज रिव्यू भी मैंने इसलिए किया क्योंकि ये भाई आए थे, ये मेरे से यही पूछने आए थे कि भाई मैंने ट्यून करा ली है लेकिन ये टायर सपोर्ट नहीं कर रहे, तो क्या क्या करवाना है इसमें। तो मैंने भाई बता दिया इनको कि इसके अंदर टायर अपग्रेड होंगे। दूसरा भाई का मन कर रहा है एग्जॉस्ट लगवाने का भी, तो मैंने बोला है कि भाई पहले ऐसे चला के देख लो, लेकिन हाँ एग्जॉस्ट इस कार में लगवाने के बाद टोटली एस्पिरेटेड है, पावर इनहेंस होगी होगी 100%, 1-2 BHP का और फर्क पड़ेगा। टायर अगर अच्छे होंगे इसके तो हैंडलिंग भी बेटर हो जाएगी, तो जब उसमें टायर्स अपग्रेड हो जाएंगे उसके बाद चलाने का इसका अलग ही मजा है। एक और खड़ी है रेड कलर की, बहुत प्यारी कार लगी भाई, बहुत प्यारा सारी चीज। सो गाइस, इस गाड़ी के लिए आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज कमेंट सेक्शन में आके आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसका 0-60 हुआ है, 80 हुआ है, वो आप कमेंट सेक्शन में आके मेरे को बताइए गाइस। और इस कार के बारे में कितना पैसा लगा है, कितना इसके अंदर फर्क आया है, और क्या क्या चीजें इसके अंदर और मॉडिफाइड होनी है, सो उस बारे में भी आप पूछ सकते हैं। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। कल फिर मिलते हैं एक नई कार के रिव्यू के साथ, एक नई कार की ड्रैग रेस के साथ, और एक नए डेली ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गाइस, टाटा बाय बाय।